शराबबंदी को लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है। सुश्री भारती ने ओरछा के राम राजा दरबार पर धरना देकर शराब बंद करने की मांग की। निवाड़ी जिले के ओरछा में शराब दुकान का विरोध करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साफ कहा कि राम राजा सरकार की नगरी में शराब दुकान का क्या औचित्य है, लोगों को लती बनाकर उससे पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है। ओरछा में नियम विरुद्ध चल रही शराब दुकान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा कि शराब दुकान गांव में खुलनी थी लेकिन इसे बीच शहर में खोल दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी को शर्माना चाहिए थी। शराब दुकान वाले तो अपना फायदा सोचेंगे लेकिन अधिकारियों को तो नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सुश्री उमा भारती ने कहा कि राम राजा सरकार की नगरी ओरछा से शराब का राजस्व वसूलने के लिए आबकारी और जिला अधिकारी को टारगेट दिया जाता है। नशे की लत लोगों की आदत है और सरकार इसका उपयोग पैसा बनाने में कर रही है। सरकार का धर्म है कि लोगों की लत ना बनने दे। उमा भारती ने कहा कि हम दिल्ली और छत्तीसगढ़ में शराब बेचने का विरोध करते हैं लेकिन अपनी स्टेट में हमने हालत बुरी कर दी है। यहाँ हम मान मर्यादा तक का ख्याल नहीं रख रहे हैं। शराब से ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदार के मुताबिक वाली जगह पर दुकान का आवंटन कर दिया गया है। आबकारी अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि राम राजा सरकार के दरवाजे पर दुकान खोल रहे हैं। ऐसे राजस्व की सरकार को जरूरत क्यों है? लोगों को गंगा जल बांटना चाहिए, गाय का दूध और छाछ पिलाना चाहिए और ओरछा में हम लोगों को शराब पिला रहे हैं तो फिर किस तरह की राम भक्ति हम लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राम भक्ति से दूर हो रही है और यह सवाल मीडिया को वीडी शर्मा से पूछना चाहिए। शराबबंदी का विरोध कर रही उमा भारती को आइए सुनते हैं। क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि हमारी सरकार में शराब की समस्या आ जाएगी। हम दिल्ली में विरोध कर रहे थे इसका, अभी हम छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे थे और उसे बुरी हालत हमने यहाँ कर दी। कोई मान मर्यादा नहीं रखती, 50 मीटर की रखती है दुकान की मर्यादा, तो रोड से 50 मीटर की भी नहीं है। एक दुकान तो ऐसी थी कि बाउंड्री वॉल थी, बीच में इधर स्कूल था, इधर शराब और लड़कियों का स्कूल था, वो भोपाल में करो और करोन चौराहे पे भोपाल में, तो कोई मर्यादा ही नहीं रहती। और सब चीजों को इतना उलझा देते हैं कि वो कौन सा किला कहलाता था, चंद्रकांता संतति की बिल्कुल वो लगने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि हमें जिले में इतना टारगेट दिया गया कि राजस्व दो, सबसे आसान राजस्व हमको शराब लग रही। तो आबकारी महोदय, आबकारी अधिकारी को कहा गया इतना टारगेट, तो उनने दुकानों का जब आवंटन किया तो दुकानदारों ने कहा कि कितने हमें बनाने दोगे तो टारगेट पूरा होगा, तो वो तो जगह दे दी गई उनको। ये नहीं सोचा गया आबकारी अधिकारी ने, ये नहीं सोचा कि राम राजा सरकार के दरवाजे पर वो खोल रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसी राजस्व वसूली जिसमें राम राजा सरकार के दरवाजे पर आप शराब की दुकान खोल रहे हो? यहाँ तो गंगा जल बांटना चाहिए, यहाँ गाय का दूध पिलाना चाहिए लोगों को, यहाँ छाछ पिलानी चाहिए, मटा पिलाना चाहिए लोगों को, और आप यहाँ शराब पिला रहे हो, काय की राम की भक्ति? तो राम भक्ति से दूर हो रही है क्या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी? ये तो बीडी शर्मा से पूछना आप, ये सवाल हम जवाब नहीं देंगे।